हेलो दोस्तों, मेरे पास आई है कि ये मोटर ब्लोअर वाली मोटर, डक्टिंग की मोटर है ये। और इस मोटर आई है ये वाइंडिंग प्लस बुश में, वाइंडिंग प्लस बुश में आई है। और कुछ मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। ब्लोअर निकालने से पहले दो तीन बातों का ध्यान देना चाहिए कि ब्लोअर किस तरीके से निकालें। पर ज़्यादातर बंदे निकालते तो पहलते चले जाते हैं, एक आराम से निकल गया, दूसरा फंस गया तो उसको पहलते चले जाते हैं कि निकल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता, आगे सापट हो जाती है झंड, जैसे इधर को हो जाती है झंड तो ब्लोअर निकलता नहीं है। और बंदे ने इतनी दवा की चोट मारी है इसमें, इसका देखो लर्निंग तक बाहर आ गई है। रोटर के अंदर होती है, बीच सेंटर में बुश यहाँ चलता है, इतने हिस्से में उसकी जगह भी कितनी ऊपर आ गई, और रोटर का सेंटर भी बाहर आ गया, यानी कि कवर तोड़ते तोड़ते बच गया इसके इसके मोटर का, या तो हो जाता बड़ा नुकसान। ये देखो रोटर भी ऊपर तक आ गया, और इसकी लॉन्ग शावट है। अगर शावट आउट हो गई तो कहीं मिलती नहीं है, और खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर चलो मैं इसकी कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको, इसमें क्या क्या है। RPM इसका 1350, एम्पेयर है 0.3 एम्पेयर, वाट इसका 450, कैपेसिटर है इसका 15 का, और ये 3 स्पीड मोटर है कैरियर की, 3 स्पीड मोटर है कैरियर की। ब्लू कॉमन है, ग्रे ग्रे कैपेसिटर की अलग से, ब्लैक हाई, वाइट मीडियम, रेड लो। मैं आपको इसका आगे का भी हिस्सा दिखा देता हूँ। देख रहे हो आप कितनी शावट झंड हो रखी है, कितनी ज़्यादा फूल रखी है। हो गया दोस्तों, अब ये मोटर खोलने के लिए पहले तो ये रेती वेती मारना पड़ेगी आगे, अगर हमसे नहीं खुला तो ये खरादिया पे जाएगी। खरादिया कितने पैसे लेगा पता नहीं, पर इसके तो कंप्लीट खर्चा ही होगा। बुश भी गई, इसकी वाइंडिंग भी गई, और ब्लोअर भी खरादिया लेगा। देखो ये आउट कर रखा है, दिख रहा होगा, ब्लोअर भी इन्होंने ख़राब कर दिया, आउट है इस टाइम। ये ब्लोअर देखो टेढ़ा हो रखा है, लाइनिंग देखो उसकी, ब्लोअर भी इन्होंने आउट कर दिया, यानी कि ब्लोअर भी ख़राब। ये देखो झंड कर रखा है, तो आप समझ सकते हैं एक शावट को निकालने के चक्कर में, एक ब्लोअर को निकालने के चक्कर में इन्होंने पूरी मोटर ब्लोअर भी ख़राब कर दी। हो गया दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही, मैं बस ये जानकारी दे रहा था। ब्लोअर आराम से निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वहीं छोड़ दो, खराजे के पास लेके जाओ, वो बंदा आराम से निकाल देता, तुम्हारी मोटर भी बची जाएगी, तुम्हारी शावट भी बच जाएगी, तुम्हारे बुश भी बच जाते, खाली वाइंडिंग ख़राब थी, वाइंडिंग हो जाती, और इसके बुश भी डलेंगे। सावड़ का पता नहीं इसने आउट करी कि नहीं करी, भगवान जाने, पर मोटर तो वाइंड होगी और बुश भी डलेंगे। ये देख सकते हैं अब लर्निंग बाहर आ गई है इसकी। ओके दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने भाइयों के पास शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।